हम गोवा गोवा महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में रहते हैं, सीमा बॉर्डर पे रहते हैं। हाँ बेलगाम में ये एक जानता बार हूँ मैं। आपके सर ने बोला भी था, त्रिवेणी संगम में हम रहते हैं। तीनों राज्यों हाँ का बिजनेस सर हमारे टीम में आएगा, बिल्कुल हो सकता और है सर, तो बिल्कुल हो हमें सकता है, ट्रांजेक्शन ये तो नो हमें डाउट, आसान हम कर सकते हैं, बस आप पे बिल्कुल होगा आश्रय पे सर। निर्भर करते और आप हैं। वहां टीम थैंक खड़ी करिए, हमारे पास बहुत प्लानिंग है सर। मेरे पास, मैंने बहुत पहले कहा था कि कुछ लोग निराश हो रहे हैं, कुछ लोग निराश हो रहे हैं कि बिजनेस डाउन हो रहा है, मैंने ये बात कहा था। मेरे पास ऐसे ऐसे इंजेक्शन है कि बिजनेस बूम करवा सकता हूं मैं। लेकिन यस, मैं डेली किसका मीटिंग बिजनेस बूम में बोल करवाएं रहा जो खुद खुद अपना बम बांध के घूम रहा है इधर उधर आत्महत्या करने, उसका सर बिजनेस हम बूम कराएं? किसका जी। बिजनेस बूम कराएं? कौन है जो 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 मेरे मेरी तरह दौड़ सकता है, चल सकता है? देखिए, जो जो बड़े लेवल पे बैठे हुए लोग होते हैं उनकी तरह अगर आप सोचोगे तभी उनके साथ आपकी मैचिंग बनेगी, अन्यथा आप अपने हिसाब से सोचोगे, वो अपने हिसाब से सोचेगा, तो वो मैचिंग ही नहीं बन पाएगी। यही कहानी यहाँ हो रही है। मैं कह रहा हूं आम सोचो और नीचे वाला सोच रहा है इमली, तो एक मीठा और एक खट्टा, फिर कहाँ कॉम्बिनेशन ही नहीं बनेगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि यस आप लोग केवल इस बिजनेस के भाव को समझो, भाव भावना को समझो। ये अगर अगर केवल दिखावा करना होता तो हमको बिजनेस लाइव दिखाने की क्या जरूरत थी? मुझे नहीं पता कि जब बिजनेस डाउन होगा तो लोगों पर गलत असर पड़ेगा और लोग भाग जाएंगे। लेकिन मैं जानते हुए बिजनेस मैंने दिखाया, 1 लाख का बिजनेस आया वो भी दिखा, 1 करोड़ का आया वो भी दिखा, क्योंकि दिखना है तो दिखना है, क्या कम क्या ज्यादा। जो बच गया वो हीरो, वो हीरा, जो भाग गया वो खीरा, क्या करेंगे, जो क्या भाग गया बात वो है, वेरी जीरा। गुड। यस यस हाँ ओके, थैंक यू सर। सूरत चिटे विजय शिंदे जी, हेलो सर, नमस्ते। जी नमस्ते सर, नए साल की आप सभी को विजब क्लब इतनी शुभकामनाएं सर। जी धन्यवाद। ठीक है, तो मैंने पूरी मीटिंग अटेंड की है सर, तो उससे थोड़ा बहुत एक सुझाव नहीं लेकिन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। अभी देखो कि मार्केट में गूगल पे, फोन पे, जो भी ई कॉमर्स पोर्टल की अभी कंपनियां है, ऑलरेडी वो शॉप में यानी कि दुकानदारों में ऑल ओवर फैल चुकी है, ऑल वर्ल्ड में। तो वो तो अभी जैसा कि हमने, जैसा हमारा विजब क्लब का आपका जो मेंबर है, आपको आपके नॉलेज को मैं एक करेक्शन कर दूं, वो ई कॉमर्स कंपनियां नहीं है, ध्यान रखिएगा, वो सब ओके, पेमेंट ओनली गेटवे हैं, प्रोवाइडर। वो सब पेमेंट गेटवे हैं, वो पेमेंट प्रोवाइडर हैं, ठीक ओके है। ई ओके सर, कॉमर्स कंपनी कौन होती है? ई कॉमर्स कंपनी कौन होती है? ई कॉमर्स होती है जैसे एप्लीकेशन के थ्रू व्यापारियों को और कस्टमर्स को मिलाने वाली कंपनियों को ई कॉमर्स कंपनी कहते हैं, यानी ओके कमर्शियल सर, लेन देन अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू कराती हैं और ओके पेमेंट का लेन देन कराती हैं, वो पेमेंट गेटवे होता है, ठीक है। और ई ओके सर, कॉमर्स की कंपनियां अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, और भी जो जोमेटो सोमेटो ये सब जो भी कंपनियां हैं, अमेजोन अमेजोन ये सब है ना, स्विगी विगी ओके सर, और ओला उबर ये सब है ई कॉमर्स की कंपनियां। और हमारी जो कंपनी है हेलो, ये ई कॉमर्स के देख अलावे जो जो कंपनी, वो ये पीपीपी बिजनेस मॉडल है। यहां पर केवल आप सामान नहीं खरीदते बल्कि आप अपनी जिंदगी बना लेते हो और ठीक है, आप कंपनी के पार्टनर बन के कंपनी में हिस्सेदार भी बन जाते हो, और कंपनी में ना केवल हिस्सेदार बनते हो बल्कि आजीवन के लिए कंपनी कंपनी के शेयर होल्डर भी बन जाते हो। तो ये एक अलग, ये पूरा मॉडल ही अलग है, और ये मॉडल समझने के लिए उतना बड़ा खोपड़ी चाहिए, और वो खोपड़ी पहले आप लोगों को बनानी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, और इसी चीज को आपको इसी तरीके से समझाना पड़ेगा लोगों, ठीक है ओके जी, सर, ओके सर, धन्यवाद। ओके, थैंक यू हमारे सोनी शर्मा जी, प्लीज वेलकम सोनी जी, हाँ नमस्कार सर, जी वेलकम नमस्कार, सर, हैप्पी न्यू ईयर, आपको भी सर, सेम टू यू। 2025। मैं ब्रजेश शर्मा बोल रहा हूँ सर, बरेली से। हाँ जी ब्रजेश जी, वही ईसीजी जो हमने करवाया था ना, 100 रुपए, 500 रुपए, और इसके बाद 12 करोड़ 80 लाख लखनऊ में, कौन सा कराया था? स्पीच चल रही थी ना, लोगों को याद रहता है शुरू का और आखिर का, ईसीजी होता है, हाँ इसी जी, बीच की धड़कनें गायब हो जाती हैं। हाँ एक्चुअली सर, तो 27 तारीख को वापसी हुई थी हमारी बरेली, और सिल्वर कोऑर्डिनेटर के बारे में हमें जानकारी दी थी राजपाल जी ने, तो
हमने सर्वर कोऑर्डिनेटर बिन कर लिया था और कल ही हमारा उसका अमाउंट भी आ गया था 5100 रुपए। वेरी गुड, और हमारे कुछ साथी पूछ रहे हैं सर क्या इस महीने भी सिल्वर कोऑर्डिनेटर रहेगा? नहीं सर, वो बंद हो चुका है, 1 तारीख के बाद से वो लागू नहीं है जी। 1 तारीख के बाद से वो लागू नहीं है। अब सर नेटवर्क लग रही है आपके इधर से? सर 1 तारीख के पहले वो, मतलब 1 तारीख से वो चीज लागू नहीं है, 1 तारीख से नया ये सब लागू हो गया, कूपन कूपन और ये लोकल मार्ट लागू हो गया है। सर आवाज नहीं आ पा रही है। ओके, आप नेटवर्क के बाहर है ब्रिजेश जी, आप अपने सर बात कर लीजिएगा इस मैटर पे। ओके थैंक यू। अभी हमारे ग्रेट टॉप अर्नर लास्ट में हम बुलाने, उससे पहले मैं बुलाने एक ले लेता हूँ हमारे काशीपुर से नीरज शर्मा जी को। प्लीज वेलकम नीरज शर्मा काशीपुर से। नमस्कार सर जी। जी नमस्कार, नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना सर जी आपको, आपको भी और सेम टू यू। आपके लखनऊ आकर और आपके दर्शन करके बहुत ही अच्छा लगा सर हमें, और जो चीज हमने आपके जहन में देखी या जो चीज आपका जो मेन उद्देश्य जो मोटिव है हम लोगों को बुलाने का यही है कि जैसे आप आज कंपनी के जो हैं एक ओनर के रूप में ओनर हैं और काम कर रहे हैं, और आपकी जो सोच है सर हमने वो देखी कि जब हमने लगभग 15-16 साल और कॉन्सेप्ट में काम करा, लेकिन उन कॉन्सेप्ट में काम करके सिर्फ हम एक वर्क एज ए वर्कर की तरह हमने काम करा, लेकिन सर जो सोच आपने हमारे दिलों में हमारे मन में पैदा की है कि हमें यहाँ से एक कंपनी का ओनर सर आपकी आवाज नहीं आ रही जी, आपकी आपकी आवाज नहीं आ रही है नीरज जी। ओके उनको हम ले लेते हैं, आवाज आ रही है सर? आप आ रही है, बोलिए बोलिए सर। हाँ जी, हाँ जी सर जी, तो जैसी सोच आपने सर पैदा की है आज तक हमें कहीं पर भी इस तरीके की सोच हमें कहीं नहीं दिखाई दी, और जिस तरीके से सर आपने हमें एक तरीके से ओनर के रूप में हम लोगों को प्रेजेंट किया और आपके दर्शन करके, और वाकई सर दो लाइनें मैं आपके लिए बोलना चाहता हूँ कि जड़ा सकता तो जड़ा लेता अंगूठी के नगीने में, जड़ा सकता तो जड़ा लेता अंगूठी के नगीने में, लेकिन राजीव सर आप चीज ही ऐसी हो जो रखे जाते हो सीने में। धन्यवाद, आपका प्यार है सर, बहुत बढ़िया। और आपने कहा ना कि मैं ऑनर की सोच पैदा करी, मैं चाहता हूं कि हमारे साथ जुड़ा हुआ हर व्यक्ति अपने गांव में एक उद्योग लगा ले और उस उद्योग से वो प्रोडक्शन करे और हमारे प्लेटफॉर्म पर भारत के कोने कोने में बेचे। मेरी सोच ये है, जैसे कि चाइना का अलीबाबा करता है, चाइना का अलीबाबा.com जो है, जो वेबसाइट आपने सुना होगा, जिसके फाउंडर वो है, क्या बोलते हैं उनको, क्या नाम है उनका, जैकमा जिसके फाउंडर हैं, वो क्या करते हैं, उन्होंने अलीबाबा बनाया, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया, चाइना के कोने कोने में छोटे छोटे लोग भी अपने यहाँ प्रोडक्शन करते हैं और उनके प्लेटफॉर्म पर लाके पूरी दुनिया में बेचते हैं। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? कर सकते हैं, मेरी भी, मैं ऐसा ही करना चाहता हूं। अब देखो, मात्र मात्र 50 से 60 लाख के इन्वेस्टमेंट से कील बनाने की फैक्ट्री लग सकती है, 50 से 60 लाख के इन्वेस्ट, मतलब 1 करोड़ के आसपास के इन्वेस्टमेंट से कीलें बनाने की फैक्ट्री लग सकती है, और वो कील बना के आपको प्रतिदिन कम से कम 5,000 रुपया 10,000 रुपया कमा के देगी वो फैक्ट्री। और ये चीज कैसे हो सकता है? 1 करोड़ रुपया आपके पास नहीं है, लेकिन हम और आप चाह दें तो आपके आपके घर आपके आपके जमीन पर ये फैक्ट्री लग सकती है, उसका माल बिकेगा और हमारे प्लेटफॉर्म पे उसका माल बनेगा और हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से तमिलनाडु में भी बिक सकता है। ऐसा yes. क्यों नहीं हो सकता? हम क्यों नहीं कर सकते? मैं यही तो चाहता हूं। ये चीज तो सर वही चीज वही तो वही सोच आपकी देखकर सर आज हमारे अंदर एक जोश एक जुनून के रूप में हम लोग आगे काम करने के लिए उतरे हैं, और जो चीज जो सोच आपने हमारे दिमाग में हमारे जहन में आपने भर दी है कि वाकई में हम लोग यहाँ से जैसे अभी आपने एक नया चीज कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं जैसे हम अयोध्या राम मंदिर में, तो हमने देखा कि सर आज तक हमें किसी भी कंपनी में या किसी भी कॉन्सेप्ट में हमें ये चीज नहीं लागू दिखाई गई कि हम एक किसी ओनर के पास बैठकर या किसी एमडी के पास साथ बैठकर हम लोग उस सिस्टम को मतलब मैनेज करने जा रहे हैं, तो सर आज आपने हमें उसका पार्टनर बनाया है,
तो सर बहुत बड़ी हम लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज है कि हमें यहाँ पर एक एज ए ओनर के रूप में हम लोगों को प्रेजेंट किया जा रहा है। और जो सोच आपके आपका जो विजन है कि हर आदमी हम हर अपने वर्कर को हर अपने नेटवर्कर को यहाँ पे करोड़पति लखपति करोड़पति बनाना है और एक अच्छा बिजनेसमैन बनाना है। और जो आपकी सोच हमने देखी कि यहाँ पे आपने अपना पैसा जो भी आप कमाते हैं वो आपने फजूल खर्चा नहीं करना है या बड़ी बड़ी चमचमाती गाड़ियां नहीं करनी आना है, लेकिन आपकी जो सोच है ना सर, आपने कहा ना कि एमडी के पास, मैं अपने आप को एमडी मानता ही नहीं हूं, मैं आप ही की तरह एक एक हार्ड वर्कर हूं, मैं आज भी मेहनत करता हूं सर, मैं आज दिन में मैं जाके अपने साइट पे बैठा हुआ था दिन भर कि वहां पर कितने और वहां जो राजमिस्त्री काम कर रहे थे उनको मैंने टारगेट दिया, उनको मैंने एक एक समोसे खिलाया और टारगेट दिया कि आज तुमको 250 ईंटें जोड़ने हैं मेरे सामने, और उन्होंने जोड़ा। मैं आज भी वहां दिन भर बैठाया, फिर शाम को आया घर पे जाके सब्जी लाके और फिर आप लोगों के साथ मीटिंग पे बैठ गया। सर मैं आज भी एक कॉमन मैन की जिंदगी जीता हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी जिए, हवा में मत उड़े। और लीडर यहाँ 1 करोड़ रुपया कमाया नहीं कि हवा में उड़ना शुरू कर देता है, और जो हवा में उड़ता है भाई उसको आना धरती पे ही है, तो इससे अच्छा है धरती पे ही रहो ना, क्यों हवा में उड़ते हैं हम लोग। और उनको उनका लीडर उनका जो अपलाइन होता है वो हवा में उड़ा देता है कि अच्छा कितना कमा लिए 20 लाख, चल बेटा ये 5 लाख रुपया डाल के और एक एक चमचमाती कार ईएमआई पर ले लो, और उसके बाद साले तुम जिंदगी भर कमाते रहो और इसकी ईएमआई भरते रहो और ईएमआई के चक्कर में और दर दर की ठोकरें खाते रहो, हमारा तो काम ऊपर चल ही रहा है। बिल्कुल मैंने देखा हुआ है सर ऐसा होते हुए, और यही होता है एमएलएम इंडस्ट्री में जी सर। लेकिन आज तक कोई माइकल लाल है लीडर बता दे कि राजीव जायसवाल ने कहा कार खरीद लो, मैं कहता ही नहीं हूं कार तब खरीदो जब कार के ईएमआई से 10 गुना ज्यादा तुम्हारे पास इनकम का सोर्स हो, यानी 8,000 की ईएमआई दे रहे हो तो 80,000 की इनकम होनी चाहिए जी सर जी, तब कार खरीदो। ना मैं गलत बातें बताता हूं, ना मैं गलत चीजों को प्रमोट करता हूं, और इसीलिए जो भौकाल दिखाने वाले फर्जी के बातें बोलने वाले लोग हैं उनसे मेरी पटती नहीं है और वो मेरे साथ काम कर ही नहीं सकते जी सर जी, वो नहीं कर सकते मेरे साथ काम, क्योंकि वो अपना दिमाग लगाएंगे और हमारे साथ वो चीज़। बहुत बहुत थैंक यू सर कि आपने हमें अपने लखनऊ में बुलाया, थैंक यू नीरज जी। और अभी मैं लास्ट में हमारे पास 8 मिनट बची है 11 बजे से पहले, तो रोहित बारिक को हम सुनेंगे। रोहित जी प्लीज वेलकम। सर जी नमस्कार। जी नमस्कार रोहित जी। सर जी बस यही बोलना चाहता हूँ, आपने एक सच्ची सोच के साथ इस वीजेएफ क्लब को हमारे लिए बनाया है, और जो जिसकी सोच अगर सच्ची होती है ना तो वहाँ पे अच्छे अच्छे लोग भी आते हैं, और हम इस मुकाम पे हम यहाँ पे हर चीज करेंगे और ये हमारी फ्यूचर जनरेशन को भी हेल्प करेगी, हर सबकी जिंदगी बदल जाएगी सर। धन्यवाद सर। बदलेगी सर बिल्कुल, और इसीलिए वीजीएफ को भगवान ने इसीलिए भेजा है कि हम सब मिलके बहुत सारे लोगों के जीवन में खुशियां ला सके। सर ये रिवॉल्यूशन है सर, रिवॉल्यूशन, हम रिवॉल्यूशन क्रिएट करेंगे सर। हो सकता है सर, वी कैन डू, हम लोग कर सकते हैं सर।